पंजाब केसरी, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जाधव। क्या आप जानते हैं कि लोकसभा में 545 सांसद बैठने के लिए सीट लगी होती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि संसद में 420 नंबर की सीट नहीं होती। अब आप भी ये जानने के लिए इच्छुक होंगे कि ऐसा क्यों, तो आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल 420 नंबर की सीट को नेगेटिव माना जाता है। 420 नंबर की सीट को नेगेटिव क्यों माना जाता है, ये हम आपको बताएंगे। वहीं 420 नंबर की सीट तो होती है, लेकिन उस पर कुछ और लिखा होता है, तो वो क्या, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल संसद में मौजूद खास सीट का नंबर है 420। इस खास के खास होने की वजह यह है कि इस संसद में 420 नंबर की सीट ही नहीं होती, और 420वीं नंबर की सीट पर कुछ और ही लिखा होता है। तो जानते हैं कि क्या सही में ऐसा है कि 420 नंबर की सीट नहीं होती है, और फिर 420 नंबर की सीट पर क्या नंबर दिया गया है। आपने देखा होगा कि कई मंजिल की बिल्डिंग होती है, लेकिन इन बिल्डिंग में 13वें नंबर का फ्लोर नहीं होता। वैसे गिना जाए तो फ्लोर 13वें नंबर का ही होता है, लेकिन उसे 14वां फ्लोर गिना जाता है। इन बिल्डिंग में 12 के बाद 14वें फ्लोर का नंबर आता है। ऐसी ही कुछ कहानी 420 नंबर सीट की है। दरअसल 420 नंबर फर्जी, धोखेबाज आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में संसद में 420 नंबर की सीट नहीं है। आपको आगे 420 नंबर की कहानी भी बताते हैं। अब सवाल ये है कि जब सीट पर 420 नहीं लिखा है, तो फिर उस पर क्या लिखा है, 421 लिखा हुआ है या कुछ और। दरअसल अब इस सीट को नंबर 419A दिया गया है। इस बात की पुष्टि भी ओडिशा के 4 बार सांसद रहे बलिजयंत जय पांडा ने की थी, जो अभी बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कुछ साल पहले अपने ट्वीट में इस कुर्सी की फोटो शेयर की थी और 419A के बारे में बताया था। आप सबूत के तौर पर तस्वीर भी देख सकते हैं। 15वीं लोकसभा में सीट आवंटन के दौरान 420वें नंबर पर आने वाले असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांसद बरुद्दीन अजमल को 420 नंबर की जगह 419A नंबर की सीट आवंटित की गई। दरअसल संख्या 420 भारतीय दंड संहिता की धारा होती है, जिसे किसी ऐसे शख्स पर चस्पा किया जाता है जो दूसरों को धोखा दे, बेईमानी करे, या फिर झांसे में लेकर किसी की संपत्ति को हड़प ले। 420 संख्या को अंग्रेजी के शब्द चीटिंग से जोड़ा जाता है। इससे साफ होता है कि संख्या 420 धोखा, बेईमानी और छल कपट से जुड़ी है। इसलिए जब कोई धोखा या बेईमानी करता है तो लोग उसे 420 बोलते हैं। और यहां आपने जाना कि संसद में 420 नंबर की सीट क्यों नहीं होती। ऐसी और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी।